गाइस आज के डेट में एआई की मदद से जो क्या कुछ ना किया जा सकता है। एआई है जो कि आपको स्क्रिप्ट लिख करके दे रहा है, एआई है जो कि आपको वीडियो क्रिएट कर करके दे रहा है, एआई है जो कि आपको इमेज क्रिएट कर करके दे रहा है, एआई है जो कि आपको टेक्स्ट टू वॉइस कन्वर्ट कर करके दे रहा है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले कि एआई के ही इस्तेमाल कर करके जो कि आप टेक्स्ट टू वीडियो किस तरीके से जो कि कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले 5 ऐसे एआई टूल जिसके मदद से जो कि आप टेक्स्ट टू वीडियो जो कि कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइस इसके अलावा जो कि हम लास्ट में आपको 3 ऐसे एआई टूल बताने वाले हैं, आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या वीडियो क्रिएटर हैं तो आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर ले, जो भी नए लोग आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इसी तरीका के नॉलेज में वीडियो इस चैनल पे आते रहता है। तो इससे पहले जो कि एक वीडियो बनाया था जिसमें जो कि हम टॉप 5 ऐसे एआई टूल बताए थे जिसमें जो कि आप टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें भी जो कि आप लोग का अच्छा खासा जो कि प्यार रहा, तो उसी का जो कि पार्ट 2 लेकर के आया है। तो यहाँ गूगल क्रोम में आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको टाइप करना है map.video और ये सर्च कर लेना। यहाँ पे आने के बाद सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरीका का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे जो कि आपको क्रिएट वीडियो का ऑप्शन आता है, जैसे आप क्रिएट वीडियो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो कि देख सकते हैं इसमें अलग अलग आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। गाइस ये एक ऐसा एआई टूल है इसमें जो कि आप मल्टीपल काम कर सकते हैं, जैसे कि आप ब्लैंक वीडियो बना सकते हैं, ब्लैंक इमेज बना सकते हैं, यहाँ पे जो कि वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, टेम्पलेट का ऑप्शन आता है, ये सब जो कि बाहर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। साइनअप करने के लिए सिंपल आपको साइनअप पे क्लिक करना है, विथ ईमेल इस पे आपको क्लिक कर लेना, ओके। यहाँ पे जो क्रिएट माई अकाउंट इस पे क्लिक करेंगे। गाइस यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीका का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट में जो कि यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्रिएट में जो कि आपको इस तरीका के ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट बगल में जो कि अपलोड वीडियो का है, उसके जस्ट बगल में न्यू फोल्डर का है। न्यू फोल्डर में आप यहाँ पे जो कि न्यू फोल्डर बना करके रख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे वीडियो एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो कि अपलोड का ऑप्शन आता है, कोई भी आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है जो कि हम लोग यहाँ पे क्रिएट वीडियो पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम टेक्स्ट इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा रिड्यूज माई टेक्स्ट विथ AI। अगर आपका जो स्क्रिप्ट है उसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, मगर यहाँ पे यूज माई टेक्स्ट एज इज इस पे जो कि आपको एक नाम डाल देना है, तो यहाँ पर जो कि टेस्ट, ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपका स्क्रिप्ट है तो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और इसके बाद जो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो कि आपको बाय डिफॉल्ट प्रीसेट आपको कुछ टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हॉरिजॉन्टल में है, स्क्वायर में है, वर्टिकल में है, जैसे कि यहाँ पर जो कि हम लोग लैंडस्केप जैसे कि बोल सकते हैं, तो इसमें अगर हम लोग करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपल इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस ये जो कि यहाँ पे लेकर के चलाएगा और यहाँ पर जो कि देख सकते हैं इसका अलग अलग आपको ऑप्शन आ गया। इसके अलावा यहाँ से जो कि आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ये सभी के अलावा यहाँ पर अगर आप बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो भी जो कि आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो कि आपको स्टॉक का, यहाँ पर जो कि आपको बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे इमेज वीडियो ये सब जो कि आपको मिल जाता है, यहाँ से जो कि आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो कि अगर आप अपना पर्सनल जो कि फाइल यूज करना चाहते हैं, वीडियो फुटेज वो सब जो कि यहाँ से अपलोड कर करके जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम बताएं यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ लेआउट का ऑप्शन आ जाता है, इसके अलावा यहाँ टेक्स्ट का है, बटर मार्क का है, ऑडियो का है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है यहाँ पर जो कि इसे अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे जो कि यहाँ से सिंपल ऐड पे क्लिक करना है और ये जो कि आपके वीडियो में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीका से जो कि आप ऐड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो कि आपको ये साइड में कुछ कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो जैसे जैसे आप इसे एक्सप्लोर करिएगा वैसे वैसे जो कि आपको इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और सिंपल आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना और ये जो कि डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट AI टूल है steep.ai, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद साइन अप फॉर फ्री इस पे क्लिक करेंगे। तो इस वेबसाइट पे जो कि हम डिटेल वीडियो जो कि एक वीडियो में ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं, ये एक ऐसा AI टूल है टेक्स्ट टू वीडियो के लिए, साथ ही साथ ये जो कि मल्टीपल काम है जो कि इस वेबसाइट पे जो कि आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो कि टेक्स्ट टू वीडियो कर सकते हैं, टेक्स्ट टू एनिमेट कर सकते हैं, ब्लॉगिंग का है, अलग अलग आपको ऑप्शन दे देगा। तो आज हम लोग टेक्स्ट टू वीडियो जो कि क्रिएट करेंगे, उसके लिए फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे और ये यहाँ पे लेकर के चलाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपका जो वीडियो का जो ड्यूरेशन डाल लेना, क्रिएट सिंपल स्क्रिप्ट पे आपको क्लिक कर देना है और ये कुछ इस तरीका के यहाँ पे स्क्रिप्ट आ जाएगा, ये सब को जो कि यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेना अगर आपको इस तरीका का स्क्रिप्ट आ जाता है तो। तो गाइस यहाँ पे जो कि अपना स्क्रिप्ट है जो कि पेस्ट कर दिए हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे जो कि कैसा आपको वीडियो चाहिए, यहाँ पे मार्केटिंग है, मार्केटिंग यहाँ पे ले लेते हैं, एनिमेट फॉर्मेट में है वीडियो का टाइप। और यहाँ पे आने के बाद दो ऑप्शन दिखाई देता है, एक है जो कि बैकग्राउंड म्यूजिक रहेगा या नहीं रहेगा, दो ऑप्शन यहाँ पे ऑन कर लेते हैं और यहाँ से जो कि नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके का आपको टेम्पलेट मिल जाएगा,
तो जैसा आपको चाहिए वैसा जो कि आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो ये कैरेक्टर हमको काफी अच्छा लग रहा है, इसे जो कि यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो स्क्रिप्ट है उस हिसाब से जो कि यहाँ पे वीडियो इस तरीका से क्रिएट होकर के आ चुका है, इसे प्ले करके आप देख सकते हैं। इसी तरीका से अगर आप इसमें चाहें तो ओवर वॉइस भी कर सकते हैं या टेक्स्ट टू स्पीक करवा करके आप इसे कहीं ले जाकर के जो कि वीडियो एडिटिंग के मदद से जो कि इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये सब हो जाता है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है, तो आप इस तरीका से जो कि आप इसे जो कि डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीका का जो कि नेक्स्ट AI टूल है Voxo.ai, ये आपको सर्च कर लेना है। सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे। क्रेडिट है जो कि ये फ्री देता है, कुछ क्रेडिट के बाद जो कि आपको यहाँ पे पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो इसे जो कि सिंपल आपको यूज करने के लिए आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ईमेल आईडी से आपको साइनअप कर लेना, तो ये यहाँ पे लेकर के चलेगा। यहाँ पे आने के बाद आप मल्टीपल अलग अलग तरीका से जो कि आप यहाँ पे वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालना है और ये आपको वीडियो क्रिएट कर करके दे देगा, ठीक है। इस पे जो कि डिटेल वीडियो जो कि मेरे चैनल पे जो कि बना हुआ, आप इसे जो कि इस तरीका से जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीका के जो कि नेक्स्ट AI टूल, यहाँ पे आने के बाद आपको टाइप करना DeepAI। यहाँ पे आने के बाद सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाएगा। अब जो कि इंडिया में जो कि ये फ्री नहीं देता है, मगर अगर आप मल्टीपल ईमेल से इस्तेमाल करते हैं और VPN का इस्तेमाल करते हैं तो इस पे भी है जो कि आप इसी तरीका से टेक्स्ट टू वीडियो को जनरेट कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीका के जो कि नेक्स्ट वेबसाइट है, यहाँ पे आने के बाद आपको टाइप करना Synthesia.ai। सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्रिएट ए फ्री AI वीडियो, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लेकर के चलाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको अपने हिसाब से जो कि आपको इसे सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से जो कि आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाम डाल देते हैं, ईमेल आईडी यहाँ से कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीका का इसका इंटरफेस आता है। उसके अलावा यहाँ पे जो कि आपको अलग अलग टेम्पलेट मिल जाएगा, उसी तरीका से जो कि आपको जो भी टेम्पलेट पे आपका वीडियो बनाना है या जो भी आपके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग है तो आप इस तरीका से जो कि इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये जो कि पेड है, ठीक है, अवॉइड करें और नेक्स्ट वेबसाइट पे चले। तो इसी तरीका से जो कि नेक्स्ट वेबसाइट है फ्लेक्स क्लिप, और यहाँ पे आने के बाद सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर देना है और ये यहाँ पे लेकर के चलाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको क्रिएट वाई टेम्पलेट, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद क्रिएट ए वीडियो, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद अगर आप कोई मीडिया इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अन्यथा इसे अभी स्किप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि आपको बाय डिफॉल्ट देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके के आपको टेम्पलेट बना हुआ मिल जाएगा। अब इसमें से जो भी आपको लगता है कि मेरे काम लायक है या हमें बेस्ट लगता है तो उसे जो कि सिंपल आपको यहाँ पे प्लस वाले पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे जो कि आप अपने अकॉर्डिंग है जो कि यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप कैनवा में यूज करते हैं उसी तरीके से जो कि आपको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो कि आप ऑडियो ऐड करना चाहते हैं तो आप ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, या वॉइस ओवर की है या टेक्स्ट टू स्पीच करके लाए हैं उसे जो कि आप सिंपल यहाँ पर अपलोड में लगा दीजिए और उसके ऊपर में जो कि जो भी आप क्लिप लगाना चाहते हैं वो क्लिप है जो कि आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लगा लेना। फिर यहाँ पर टेम्पलेट में आते हैं और यहाँ से जो कि ये टेम्पलेट ऐड कर लेते हैं और ये टेम्पलेट को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ से प्ले करेंगे। रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो कि यहाँ पे जो भी आपका स्क्रिप्ट है यहाँ पर जो कि आप अपना टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर टेक्स्ट के साथ जो कि इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जैसे आप कैनवा में इस्तेमाल करते हैं उसी तरीका से जो कि ऑलमोस्ट इसका फीचर दिया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीका से जो कि आपको वीडियो को यहाँ पे क्रिएट कर लेना, यानी कि आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं और ये सब करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट से जो कि साइनअप कर लेना है और यहाँ से जो कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो कि आपको अलग अलग काफी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसे जो कि जितना आप इस्तेमाल करिएगा एक्सप्लोर करिएगा उतना जो कि आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरीका के जो कि नेक्स्ट AI टूल है वो जो कि runway.ml। यहाँ पे आने के बाद सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, इस पे क्लिक करेंगे। गाइस यहाँ पे लेकर के चलाएगा try runway for free, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद एक ईमेल आईडी से जो कि इसे साइन अप कर लेना है, तो यहाँ पे जो कि try for free, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेकर के चलाएगा। गाइस ये एक ऐसा वेबसाइट है इस पे जो कि आप मल्टीपल काम कर सकते हैं, जी हाँ। तो यहाँ पे जो कि आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे जो कि जनरेट वीडियो का ऑप्शन है, यहाँ पे जो कि एडिट वीडियो का ऑप्शन है, यहाँ पे जो कि एडिट ऑडियो सबटाइटल का ऑप्शन है, इमेज को जनरेट कर सकते हैं, इमेज को एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे जो कि आप 3D का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको अब एक
AI टूल में जो कि आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाता है। किसी भी वीडियो का जो कि आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं उसके लिए सिंपल आपको रिमूव पे क्लिक करना है, पर जो कि टेक्स्ट टू इमेज कर सकते हैं, अगर आप इमेज जनरेट करना चाहते हैं वो भी है जो कि आप यहीं पे कर सकते हैं। तो आप इस तरीका से जो कि इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो इसी बात पे दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें। तो गाइस ये था कुछ ऐसे AI टूल जिसमें जो कि आप टेक्स्ट टू वीडियो जो कि जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा तीन और हम आपको ऐसे AI टूल बताने वाले हैं जिसके मदद से जो कि आप अपना काफी वर्क है जो कि काफी कम टाइम में जो कि कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आने के बाद आपको टाइप करना अन स्क्रीन और ये यहाँ पे देख रहे चला। यहाँ पे आने के बाद सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं अन स्क्रीन रिमूव वीडियो बैकग्राउंड, यानी कि आप किसी भी वीडियो का जो कि अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं वो है जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो कि मेरा एक वीडियो है इसे जो कि यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो गाइस मेरा वीडियो जो अपलोड हो रहा है इसमें देख सकते हैं इस तरीका से जो कि मेरा बैकग्राउंड है। अब ये देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड को रिमूव करके यहाँ पे दे देगा। तो गाइस ये जो कि मेरा वीडियो जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीका का था, अब इसे जो कि यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट आया उसके बाद ये रिमूव कर करके दे दिया। अब इसे सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है। इसी तरीका से जो कि नेक्स्ट AI टूल है वो जो कि स्केच मेटा डेमो लैब, यहाँ पे आने के बाद एनिमेट ड्रॉइंग, आपको कुछ इस तरीका का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आने के बाद आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना। आप किसी भी तरीका के जो कि ड्रॉइंग बना ले उसका जो कि यहाँ पे जो कि आप एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे वगैरह जो कि कुछ इस तरीका के देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रॉइंग बनाते हैं उसे जो कि आप यहाँ पे एनिमेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पे जो कि हम डिटेल वीडियो एक बनाया है, अगर आप नहीं देखें तो आप जा करके चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कि कोई भी इमेज है उसे जो कि सिंपल यहाँ से फॉर एग्जांपल ये है इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से जो कि नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये स्कैन कर रहा है और ये यहाँ पे आ जाएगा। कुछ इरेज वगैरह करना तो इरेज करने का आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है, और नहीं करना तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस तरीका से जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ से जो कि आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब अपना कैरेक्टर को कैसा बनाना चाहते हैं, जैसा आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं वैसा जो कि आपको सिंपल इस पे सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर ये बनाना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे चलने लगा। ओके इसके अलावा यहाँ पर जो कि आपको अलग अलग ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब जो भी आपको पसंद है उस तरीका से जो कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये सब AI टूल में से जो कि कौन कौन सा AI टूल है जो कि आप पहले से जानते थे आप हमें कमेंट करके जरूर बतावे। दोस्तों इसमें से जो कि कुछ AI टूल है जो कि आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ AI टूल है जो कि आपको यहाँ पे धीरे धीरे जो कि जीरो क्रेडिट कर दिया गया है, यानी कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो कि यूज हो रहा है इस तरीका के वेबसाइट का। तो अगर आपका इस तरीका के वेबसाइट अगर आपको क्रेडिट नहीं देता है तो आप यहाँ पे VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरीका के जो कि सॉफ्टवेयर को आप किस तरीका से जो कि VPN को इस्तेमाल कर करके यूज कर सकते हैं इस पर हम डिटेल वीडियो एक बनाया है जिसमें जो कि हम मोबाइल में DeepAI का जो हम इस्तेमाल करके दिखाएं उसमें बताया है। तो इस तरीका के जो कि कुछ वेबसाइट है ये सभी का इस्तेमाल कर करके आप मल्टीपल वीडियो बना सकते हैं और अपने चैनल को और अपने सोशल मीडिया अकाउंट को ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीका के नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर आते रहता है।